Hey everyone, welcome back once again to a very own channel. This is Mass Sunit Pratyus and finally we are back with the 57th episode of Sunday Bani. तो जैसे कि आपको पता है संडे आए और संडे वाणी नहीं, ऐसा कोई हो नहीं सकता. तो थोड़ा सा आज मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो मैं सुबह सोचा कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट मैं फिर सोचा कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं फिर से आ गया. छोटा सा वीडियो रहेगा और जो आज की सिचुएशन है उसी के ऊपर में ही इसका जो स्टोरी का जो रहेगा मोरल वो पूरा पूरा सिचुएशन को डिफाइन करेगा. ठीक है, तो लास्ट तक रहेंगे और देखेंगे क्या स्टोरी है, उसमें से क्या मतलब हमको मोरल मिल रहा है. मैंने जब सुना तो मैंने वो स्टोरी से ही वो थोड़ा मोरल को लाया और मैंने अप्लाई किया मेरे में, और मुझे अभी बहुत खुशी लग रहा है आपके साथ वो शेयर करने में. ठीक है, तो थोड़ा सा लेट से आया आई थिंक वीडियो, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी, बट वीडियो आना चाहिए, बस वही है कॉन्सेप्ट. तो डायरेक्टली और ज़्यादा बात नहीं करके मैं डायरेक्टली टॉपिक में आता हूँ और जितना जल्दी हो सके स्टोरी को थोड़ा ख़त्म करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए वीडियो. और अगर अभी तक अगर आप लोग मैक्सजोन फैमिली में ज्वाइन नहीं हुए हो तो रेड कलर का बटन नीचे में दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो. धीरे 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 करके हम एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, और बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 2000 का मार्क है हम बहुत जल्दी उसको क्रॉस करेंगे. और अगर अभी तक आप लोगों ने बना नहीं है आप लोग कोई भी, तो वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो. ठीक है, तो रही बात आज का टॉपिक का, तो लास्ट तक रहेंगे और देखेंगे. और अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये स्टोरी या फिर मोरल जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया, तो आप लोग आपके नियर एंड डियर के साथ शेयर कर सकते हो. ज़्यादा देरी ना करके फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आते हैं फिर स्टोरी में. जैसे कि आपको कैप्शन दिख रहा होगा, दैट इज एटीट्यूड मैटर्स. तो ऑब्वियसली हम लोग भी हमारे लाइफ में हमारा एटीट्यूड मैटर करता है. तो ये स्टोरी कुछ इस तरीका का है कि दो दोस्त अपने आप में बातचीत करें, कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो लेट एक बी एक्स एंड अनदर वन बी वाई. मैं यहाँ पे मैथ्स नहीं लेना चाहता, बट नाम कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए एक को एक्स लेते हैं एक को वाई लेते हैं. तो एक्स वाई को डिफाइन कर रहा है कि कैसे मैंने एटीट्यूड हमारा, मैंने इतना साल भर रखा तो अभी हम जहाँ पे भी हैं हमारे एटीट्यूड की वजह से ही हम हैं. तो एक्स और वाई दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही रेस्टोरेंट में मतलब बाहर में काम करते थे. बट जो एक्स जो बंदा था और वाई जो बंदा था, एक्स जो बंदा था उसका एटीट्यूड हमेशा उसके लिए बहुत मैटर करता था, और जो वाई बंदा था वो बस नॉर्मल ही अपना लाइफ को जी रहा था. तो एक्स जो बंदा था वो क्या करता था, हमेशा मतलब एक स्माइलिंग फेस में रहता था, हमेशा सारा प्रॉब्लम्स को उसके पास सॉल्यूशंस रहता था. तो उसको उसके एटीट्यूड के वजह से सब कोई उसको लाइक करते थे. और वाई जो था उसका जो जिगरी दोस्त, वो भी उसको बहुत लाइक करता था और हमेशा उसको पूछता था तो कि सब सारे सिचुएशन में कैसे तू इतना पॉजिटिव रह रहा है और सारे सिचुएशन को हमेशा तू पॉजिटिवली ले रहा है, जहाँ पे कि हम थोड़ा बहुत कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे रहे. तो वही कन्वर्सेशन दो जो दोस्त थे फिर रेस्टोरेंट जब मतलब छोड़ के वो अपने अपने दुनिया में चले गए थे. तो 10 साल बाद फिर मीटिंग हो रहा है और ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है उनके अंदर में चल रहा है. तो एक्स और वाई फिर से जहाँ पे वो लोग पहले काम करते थे वहीं पे जाके वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं. अभी वो लोग दोनों ही बड़े आदमी बन गए. तो एक्स और वाई बस बात कर रहे थे कि यहाँ से हमने हमारा करियर स्टार्ट किया था और तू कहाँ पे है, तू कहाँ पे. तो कन्वर्सेशन नॉर्मली चल रहा है. तो फिर एक्स बोल रहा है कि वाई एक्स को पूछा कि कैसे हो तुम, कैसे हमारा लाइफ चल रहा है तुम्हारा. तो बोला कि मैं जैसे 10 साल पहले था अभी भी वैसे ही हूँ, बस स्माइल कर रहा हूँ और मेरा एटीट्यूड जैसा था वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है हम. तो वाई बोला कि अभी भी तू वही पॉजिटिवली लेता है जा रहा, सारा भी प्रॉब्लम को तू मतलब पॉजिटिवली हैंडल करता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ था बीच में, क्योंकि बीच में एक इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से एक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. तो वो इंसिडेंट के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं. तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे तो मतलब रेस्टोरेंट बंद करना था, तो वाई जो था उसका कुछ काम था वो चला गया था. एक्स जो था बंदा जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, वो क्या क्या था ना, वो रेस्टोरेंट को बंद करके निकल रहा था. रात को 10 बज गया था, तब कुछ हुआ कि उसके जो ओनर थे वो भी चले गए थे, ये पूरा बंद करके वो जाने वाला था. तो जस्ट बंद करने वाला था क्योंकि सारा कुछ मनी जो वो लोग करते हैं वहाँ पे ही उनके मतलब जो लॉकर रहता है वहाँ पे ही रहता है, ओनर आके बाद में उसको मतलब सुबह में काउंट करता है. तो वो लॉक वगैरह करके चाबी वगैरह ओनर लेके चले गए थे, और ये बस दुकान बंद करके रेस्टोरेंट बंद करके जा ही रहा था कि दो तीन आके आदमी और उसको मतलब गन लेके आ गए, और गन लेके उसको मतलब बोले कि जितना पैसा है दो और जो भी सामान है सब कुछ दे दो. तो ये थोड़ा सा डर गया कि मतलब गन है था उनके पास तो ये कुछ भी नहीं कर पाता. तो वो डायरेक्टली गन उसके दिमाग में रखे, माथे में रखे, और लाइक बोले कि जितना पैसा, तो वो बोला मेरे पास तो लॉकर का चाबी नहीं है, अगर होता तो दे देता. तो वो लोग कुछ नहीं सुने, उनको लगा कि ये एक्स जो है वो झूठ बोल रहा है, तो उसको शूट कर दिया. सूट जब कर दिया मतलब फॉर्चुनेटली हो वो जो सूट हुआ उसके दिमाग मतलब दिमाग में लगा, बट थोड़ा सा साइड में लगा तो वो गिर गया, बट वो बच गया फाइनली, और वो लोग लॉकर को तोड़ के वहाँ से पैसा लेके चले गए. तो जब वो मतलब फॉर्चुनेट था कि जो बुलेट जो उसके वो लगा था वो थोड़ा साइड से लगा था, तो वो फिर जो आदमी थे पास में उसको लेके हॉस्पिटल में ले गए. तो वही बोला कि फिर क्या हुआ, कैसे क्या तूने हैंडल कैसे किया वो सिचुएशन को, उतना वहाँ पे भी तो पॉजिटिव था. तो वो बोला कि हाँ एक टाइम ऐसा था कि मुझे मतलब ऐसा दिमाग में आया जब उन लोगों ने बुलेट शूट कर दिया तो मैं नीचे में गिर गया, तो मेरे पास दो चॉइस था लाइफ में, हमेशा हमारे पास दो चॉइस थे. तो बोला कि मैं हमेशा मेरे लाइफ को दो चॉइस से डिवाइड करता हूँ, तो एक पॉजिटिव चॉइस होता है और हमेशा एक नेगेटिव चॉइस हमारा, पॉजिटिव सोच और चॉइस हमसे निकलता है, नेगेटिव हमेशा एक बाय डिफॉल्ट रेडी रहता है. तो नेगेटिव चॉइस यह है कि अभी मुझे कोई बचाने नहीं आएगा और मैं यहाँ पे मेरा मतलब मैं डेड हो जाऊँगा, और पॉजिटिव यह था कि नहीं मुझे कैसे भी करके हॉस्पिटल जाना है और मुझे मतलब
खुद को बचाना है, फिर से आके काम में ज्वाइन करना है। तो वो बोला कि तू ऐसे सिचुएशन में क्या हेल्प भी मैं नहीं मांग पाता, तो क्या किया तू तब? तो वो बोला कि कुछ नहीं, मैं मतलब अपने आप को साहस देना स्टार्ट किया, क्योंकि वो मतलब टाइम में अपने आप को हिम्मत देना बहुत जरूरी है। तो वो अपने आप को हिम्मत दिया कि नहीं, मुझे बचना है, मुझे लाइव रहना है और मुझे पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे मतलब मेरा जो सेंस है उसको मतलब खत्म नहीं करना है, जैसे भी करके सेंस को रखना है। तो 5 मिनट वैसा 10 मिनट तक रहा, तो आसपास के जितने भी आदमी थे उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके, हॉस्पिटल के चेयर में फिर बोला कि हॉस्पिटल के जब वो मतलब उसको लेके जा रहे, तो वही पूछा कि तू तब कैसे तेरा पॉजिटिवनेस तू कैसे उसको मतलब सामने लाया, तब तो तुको तुझे पता चल गया कि तू हॉस्पिटल में है और कुछ भी हो सकता है, तो तब अपने आप को कैसे हैंडल किया? तो जब वो बोला कि जब मुझे स्ट्रेचर से लेके जा रहे थे, तो मुझे तब तक मतलब पता नहीं चला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैंने जब डॉक्टर और नर्सेस को देखा तो मुझे मतलब थोड़ा सा डर लगने लगा कि अभी क्या होने वाला है। तो डॉक्टर और नर्स उसको बेड में सुला दिए, और उनको लग रहा था डॉक्टर और नर्स को तो ये मतलब इसका सेंस नहीं है, वो डेड हो गया। तो वही पूछा तब तू क्या किया, तू तो मतलब तेरा भी सेंस नहीं हो मतलब तब था तो तू क्या किया, क्या सोचा? तो वो सिचुएशन में भी उसके दिमाग में फिर दो चॉइस आया कि अभी मैं कुछ बोलूं ताकि डॉक्टर और नर्स को लगे कि मैं जिंदा हूं, या फिर मैं चुप ही रह जाऊं उनके बात सुन के भी, ताकि वो उनको लगे कि मैं डेड हो गया और वो कुछ भी ट्रीटमेंट ना करे, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट लेट करने से और कुछ नहीं होता मतलब लेट होता। तो फिर भी तो बोला कि तू फिर क्या किया, तो हम वो एक्स बोला कि मैं फिर भी दो चॉइस जो मेरे पास था पॉजिटिव नेगेटिव वाला, मैंने फिर से पॉजिटिव को चूज किया, मेरा एटीट्यूड जो मेरा डिफाइन करता है मैटर करता है, तो मैंने पॉजिटिव वन को चूज किया कि मैं कुछ भी करके कुछ बोलूं, मतलब मुझे पता चल रहा था कि वो लोग बात कर रहे हैं मैं सुन रहा हूं बट मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी मैंने ट्राई करके कुछ थोड़ा सा बोला कि हाँ यस मैं जिंदा हूं, इतना बोला तो वो लोग को डॉक्टर नर्स को पता, क्योंकि वो कन्फर्म ना होने तो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहा था। तो ये जब रिस्पॉन्स कर दिया तो डॉक्टर नर्स बोले कि नहीं जिंदा है इसको, तो 8 घंटा का सर्जरी चला, फाइनली जैसे भी करके उसके बुलेट को निकाला गया और फाइनली वो बच गया। और बचने के बाद और मैं अभी हूँ, तो हमारे सामने बैठा हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, बहुत खुशी में हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बुलेट का जो थोड़ा घाव था अभी भी है, तो इसलिए मैं मेरा सर को थोड़ा सा बचा के रखता हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ऐसा करके वो एक्सप्लेन कर रहा है वाई को कि मतलब कैसे एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, और डॉक्टर भी लास्ट में बोले कि तब उस दिन अगर वो कुछ नहीं बोला होता, पॉजिटिवली रेस्पॉन्स नहीं करता, तो मे बी हम लोग भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास हज़ारों मतलब ऐसे ट्रीटमेंट होने वाले आते हैं हर दिन, और हम वो पहले चेक करना पड़ता है कि वेदर वो मतलब जिंदा है या अगर मतलब कुछ सेंस नहीं है, और अगर बिना सेंस का अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारा टाइम का मतलब, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर और नर्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसीलिए अगर वो इस दिन पॉजिटिव सेंस को नहीं लेता तो मैं भी आज मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा रहता। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट और दैट इज़ द स्टोरी की बहुत ही ये मतलब एक मैं फील कर पाया इसको कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमारा मतलब लाइफ को कैसे मतलब सुधार देता है, या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा जो जब हमारे दिमाग में रहता है कि हमेशा कुछ भी काम आए हमारे पास दो चॉइस रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव बाय डिफॉल्ट रहता है, पॉजिटिव हमको बनाना पड़ता है, और पॉजिटिव को बना के अगर पॉजिटिव सेंस में अगर हम गए मे भी थोड़ा बहुत हमको तकलीफ लगता है, बट अगर पॉजिटिव में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमको कुछ ना कुछ हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना के सेल्फ सेटिस्फाई हूँ कि मुझे था कि एक्सक्यूजेस था, बाई डिफॉल्ट मेरे दिमाग मुझे बोल रहा है कि आज वीडियो मत बना कल बना देना, बट लास्ट में मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि संडे चल रहा है और मंडे में फिर से मुझे अगर टाइम नहीं मिला तो ये जो स्ट्रिक चल रहा था वो मतलब बंद हो जाएगा, वो सोच के मैं पॉजिटिव को थोड़ा तकलीफ हुआ ये वीडियो बनाया लेट नाइट को बना रहा हूँ, बट और वीडियो बना के अभी लग रहा है कि मैं अभी सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बना पाया, थोड़ा लेट हुआ बट मैंने बना पाया। तो दैट इज जो कैप्शन था एटीट्यूड मैटर, हमेशा हमारे लाइफ में वही होता है कि अगर हम हमेशा हमारे पास दो चॉइस होता है, नेगेटिव वाला बाई डिफॉल्ट हमेशा रेडी रहता है, एक्सक्यूज वाला पॉजिटिव हमको क्रिएट करना रहता है, और क्रिएट करके अगर हम वो वे में गए तो मे भी थोड़ा बहुत कष्ट होगा बट एट द एंड ऑफ द डे हमको सुकून मिल सकता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यही एक्स और वाई का जो कन्वर्सन था तो जो तो वही एक्स और वाई का जो कन्वर्सन था मैंने आपको शेयर किया, और मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ इसको कन्वे करने के लिए। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से कन्वे कर पाया, और आई होप आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यूडेशन कर पाएंगे। अगर अच्छा लगा स्टोरी तो शेयर करेंगे नियर एंड डिवाइन के साथ। मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा कम हो रहा है बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, नेक्स्ट बार से मैं अच्छे से आप लोग को वीडियो कॉन्सेप्ट और कॉन्टेंट बना के दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए बस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और अगर आप लोग स्टूडेंट हो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ते रहिए, और ऑब्वियसली आप को सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ यू, स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।